मुझे पता है मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था रोड टू लाफ टेल वाला पार्ट वन वाला वीडियो आएगा, लेकिन आज नहीं आ रहा। इसका रीजन है स्पॉइलर, 1054 का जो स्पॉइलर आ चुका है, और मुझे पता है यार ये स्पॉइलर रीड करने के बाद जो फील आ रहा है भाई, मांगा चैप्टर कुछ खतरनाक वाला ही होने वाला है। और जिस हिसाब से उड़ा ब्रेक पे गया था, और अभी भी ब्रेक पे चैप्टर आया नहीं है, लेकिन जब आएगा ना बवाल मचा देगा पूरा कम्युनिटी में। तो यार आओ सीधा फालतू का बकबक किए बिना जो सीधे स्पॉइलर पे आते हैं, और पहले तो इस चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं, जो कि होने वाला है एम्परर ऑफ फ्लेम्स। ये पूरा टाइटल जो एस को डेडिकेट किया गया है, और दोबारा से इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है एस को दिखा के। सबसे पहला स्पॉइलर, द चैप्टर इज अबाउट सैबो। जिस तरह से लिखा है तुम सबको मालूम पड़ गया होगा ये चैप्टर किसके ऊपर होने वाला है। ज्यादा फोकस सैबो के ऊपर किया जाएगा, और सैबो जिंदा है या मर गया शायद इस चैप्टर में जानने को मिल जाए। खैर चैप्टर का वेट करते हैं। नेक्स्ट स्पॉइलर, वी नो द न्यूज अबाउट द डेथ ऑफ द कैरेक्टर, दिस न्यूज इज ऑल्सो रिलेटेड टू सैबो। देखो ये वाला जो न्यूज है वो भी सैबो से रिलेटेड है, और हम सबको पता है रेवरी में कोई मरा था, लेकिन वो सैबो नहीं था ये मेरे को लगता है। और इसको लेकर के ना मैं 1.5 साल से यार डिस्कॉर्ड पे डिस्कशन कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता सैबो मरा होगा। और यहाँ पर भी चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बताया जाएगा, और जिस हिसाब से स्पॉइलर भी आया है कोई भी सेंस नहीं बनाता कि सैबो मरा है। हाँ यही चीज बताया गया है कोई मरा है, और ये पहले भी बताया गया था इनडायरेक्टली, बट कौन मरा है अभी तक रिवील नहीं किया गया है। और तुम लोग यार दिमाग से वो चीज हटा दो कि सैबो मरने वाला, मुझे नहीं लगता अभी सैबो मरेगा। ऐसे ओडा मतलब बैकग्राउंड में उसको दिखा के मार दे अचानक से, भाई मजा नहीं आएगा। फिर भी देखते हैं आने वाला टाइम पे क्या होता है, और मुझे नहीं लगता सैबो मर रहा है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्पॉइलर, आरामाकी जो कि ग्रीन बुल, वो एक लोगिया डेविल फ्रूट यूजर है। भाई इतने जो थ्योरीज बने ना गॉड ऑफ फॉरेस्ट, ओडा ने एक बार सारे थ्योरीज को एक जगह पे रखा, पेट्रोल छिड़का और माचिस मार दिया, भाई निकला ये लोगिया डेविल फ्रूट यूजर। वैसे जिस हिसाब से दिख रहा था पावर देख के तो लग रहा था ये जोन डेविल फ्रूट यूजर है। इसके बाद फाइनल स्पॉइलर, नो बाउंटीज दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कोई भी बाउंटी रिवील नहीं किया गया, क्या कहूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग यार बाउंटी देखना चाहते थे, लेकिन बाउंटी नहीं रिवील किया, ओडा छिपा के रखा है। और खुशी की बात ये है ना, नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, जिससे क्या होगा भाई ये चैप्टर तो आएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा नेक्स्ट वीक। भले ही हमने एक महीना इंतजार किया, लेकिन हमें बैक टू बैक चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, और जिस हिसाब से ओडा एक एक चीज रिवील करेगा, जिस हिसाब से उसने स्टेटमेंट में भी कहा, मजा आएगा। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, और तुम सबका क्या मानना इस स्पॉइलर को लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। लाइक करना करो, सब्सक्राइब करना करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यार कुछ सवाल रह गए तो इंस्टाग्राम पे पूछो आकर के, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।